मैंने यहाँ पर ये इस्तेमाल कर लिए, तो 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो ये क्या करेगा, 18 स्पेसेस यहाँ पर प्रिंट करा देगा। बेसिकली 18 स्पेसेस प्रिंट कराने के बाद जैसे ये लूप एग्जिट होगी तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू प्रिंट करा देगा। के इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 है, ठीक है, और ए की वैल्यू भी 1 है, 1 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर ये के की वैल्यू प्रिंट होगी। के की वैल्यू प्रिंट होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, के की वैल्यू प्रिंट होने के बाद इसमें इंक्रीमेंट होगा, के की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 लेस देन और इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये इसे स्किप कर जाएगी और ये फाइनली क्या करेगा, इसे नेक्स्ट लाइन पे मूव करा देगा 1 प्रिंट कराने के बाद। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये पहले ए की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट आएगा, 2 हो जाएगा, सेकंड रो पर हमारे पास आ गया ये। अच्छा, तो जे की वैल्यू, अभी ए की वैल्यू 2 है, तो 10 माइनस 2 हमारे पास कितना होता है, 10 माइनस 2 हमारे पास 8 होता है, 8 2 16, मतलब 2 स्पेसेस इसने कम कर दी है, पहले 18 थी, अभी 2 16 कर दी, ठीक है। इसी तरह से 16 स्पेसेस जो है ना ये प्रिंट करा देगा और फाइनली के की वैल्यू प्रिंट करा देगा। के की वैल्यू पहले 1 होगी, 1 इज लेस देन 2, तो 1 प्रिंट करा देगा, और के में एक इंक्रीमेंट आएगा, इंक्रीमेंट आने के बाद ये क्या करेगा कि 1 के की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 इक्वल्स टू 2 आने के बाद ये क्या कर लेगा जी, मतलब 1 पहले से प्रिंट कराई है, उसके बाद स्पेस प्रिंट कराई है, फिर 2 प्रिंट कराई है, फिर स्पेस प्रिंट कराई है, तो ये लूप खत्म हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पर आकर, और ये नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। तो इसी तरह से फर्दर आगे जो है ना हमारे पास काम होता रहेगा। तो ये इस तरह से आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही होगी, जिस तरह से पहले मेथड अपनाए रखे हम लोगों ने, उसी तरह से जो है ना हम लोग कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ए की वैल्यू हमारे पास 1, 1 लेस देन हो गया हमारे पास 10 के, ठीक है, 1 लेस देन 10 के हुआ, हम ये कंडीशन ट्रू है, इस लूप के अंदर आ गई, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद जे की वैल्यू हमारे पास क्या हुई है, जे की वैल्यू 18 आ रही है, जे इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है जी, 18 ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, उसके बाद जे माइनस माइनस, यहाँ पर हम इसे क्या कर लेते हैं, इसे 1 की कर लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, जो लास्ट टाइम हमारे पास थोड़ा सा जो है ना स्पेस में आ रहा था, तो वो बहरहाल वो जो है ना चीज क्लियर हो जाएगी। जे जे अभी ग्रेटर देन, ये हम इसे रन करके भी पहले चेक कर लेते हैं ताकि कोई इशू तो नहीं आ रहा, बिल्कुल वो इसी तरह से अच्छे तरीके से रन हो रहा है। चले जी, जे ग्रेटर देन 1 है, 18 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, इसने एग्जीक्यूट किया। अच्छा, ये क्या करेगा, डिक्रीमेंट करता रहेगा, ठीक है, टिल 1 तक, यहाँ पर क्या होगा, 18 स्पेसेस हमारे पास प्रिंट होती रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18, ठीक हो गया, 18 हमारे पास स्पेसेस प्रिंट हो गई है। 18 स्पेसेस प्रिंट होने के बाद ये लूप इसे इसको लेफ्ट कर जाएगा, वजह ये है कि जे की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 ना तो ग्रेटर देन है 1 से और ना इक्वल टू है 1 के, तो इस वजह से ये जो है ना इस लूप से बाहर आ जाएगा। अभी इसके बाद एक और लूप है यहाँ पर, ठीक है, इस लाइन पे थे हम लोग, 18 स्पेसेस थी, और ये यहाँ पर ये हम लोग, मैं दोबारा स्पेसेस डाल देता हूँ ताकि अच्छा ये 18 स्पेसेस हो गई हैं। यहाँ पर ये क्या करेगा, के की के इक्वल्स टू 1 है, के लेस देन आर इक्वल्स टू ए की वैल्यू भी 1 है, के की वैल्यू भी 1 है, 1 इक्वल्स टू 1, ठीक हो गया, तो ये कंडीशन 2 हो गई है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, बॉडी के अंदर 1 एक प्रिंट करा रहा है और एक स्पेस प्रिंट करा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहा है जी, के में एक इंक्रीमेंट होगा, के की वैल्यू 2, 2 ना ही लेस देन है 1 के और ना इक्वल टू है 1 के, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, इस लूप को एग्जिट कर देगा और ये वाली स्टेटमेंट जो है ना लास्ट वाली ये प्रिंट करा देगा, ये जो है ना एग्जीक्यूट करेगा। ये एग्जीक्यूट करने से हमारे पास क्या होगा कि ये कंट्रोल जो है ना नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा, मतलब ये हमारे पास जो है ना उसके अभी इसके बाद कोई सबसे आउटर लूप की कोई बॉडी नहीं रहेगी, तो ये क्या करेगा, ए में इंक्रीमेंट कर देगा, ए की वैल्यू हमारे पास होगी 2,
ठीक है, ए की वैल्यू टू होने, टू लेस देन 10 से,